नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक हुई और जिसमें ये निर्णय लिया गया कि एक बार फिर से जो है बीपीएससी 1,00,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली करने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि 1-5 वाले यानी कि जो डीएलएड वाले हैं वो 1-5 के ही शिक्षक बन पाएंगे और कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों का जो है भविष्य संशय में था, वो लोग परेशान थे और इसको लेकर जो है अब आयोग ने बड़ी जानकारी दी है। बीपीएससी के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, अगले महीने ही 1,00,000 पदों पे फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा और बहाली कराई जाएगी। और दरअसल आपको पूरा मामला बता देते हैं, पूरा मामला जो है वो बीपीएससी शिक्षक बनने का एक और मौका लेकर आया है। 6ठी से 12वीं तक की कक्षा के शिक्षकों के करीब 1,00,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अक्टूबर में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी विज्ञापन निकालेगा, यानी कि अगले महीने ही विज्ञापन निकाला जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा उसमें बीएड वाले डीएलएड वाले सभी लोग परीक्षा दिए थे, लेकिन बीपीएससी के द्वारा ये कह दिया गया था कि बीएड वाले परीक्षा तो दे लेकिन फल की प्रतीक्षा ना करें। जिसके बाद कल बड़ी बैठक हुई और बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, बीपीएससी के अध्यक्ष चतुर प्रसाद सभी लोग शामिल हुए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो है पालन किया गया और इसी को देखते हुए बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में ना हो, वो लोग बेरोजगार ना हो, जिसको देखते हुए एक बार फिर से अक्टूबर महीने यानी कि अगले महीने ही 1,00,000 पदों पे फिर से शिक्षक नियुक्ति कराई जाएगी, जिसकी प्रक्रिया के लिए आदेश भी दे दिया गया है। इस बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। मंगलवार को आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की हुई बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति और वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रिया को लेकर विभिन्न मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के 52,000 पदों पर बहाली का विज्ञापन निकलेगा। वहीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के शिक्षकों के पदों का आकलन करने के मतलब वर्तमान जो नियुक्ति हुई है प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद ही जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए जो है पद निर्धारित किया जाएगा कि आखिर इसमें कितनी वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के 52,000 पदों पे जो है नियुक्ति की जाएगी अगले बहाली में। इस तरह करीब 1,00,000 नए पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकलेगा। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से कहा है कि कक्षा 6 से 8 तक का सिलेबस जो है वो उपलब्ध करा दे ताकि उसके अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार करने की दिशा में काम किया जा सकेगा। मालूम हो कि वर्तमान में 1,70,000 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 के शिक्षक के पदों को शामिल नहीं किया गया है। बैठक में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार सभी लोग जो है बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिसकी खबरें हमने आपको कल दिखाई भी थी। तो बीएड वालों के लिए जो है बीपीएससी एक और मौका देने जा रहा है, अगले महीने ही विज्ञापन निकलेगा। करीब 1,00,000 पदों पर जो है एक बार फिर से बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए 52,000 वैकेंसी निकाली जा रही है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।